तो फाइनली एक लंबे समय के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज का रॉ का एपिसोड रेसलमेना के बाद का रॉ का एपिसोड ही लग रहा था। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से रॉ आफ्टर रेसलमेना के बाद एक काफी अच्छा रॉ का एडिशन था। और आज शो के ऊपर होता है नंबर वन कंटेंडरशिप मैच, जहां पर ड्रू मैकइंटायर फेस करते हुए नजर आते रैंडी ऑर्टन एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का। विनर को मिलती बॉबी लैशली के खिलाफ अपॉर्चुनिटी। तो भाई कौन जीता है इस मैच अंदर और कौन फेस करेगा बॉबी लैशली का बैकलैश में। साथ ही शो के ऊपर एलेक्सा ब्लिस का प्लेग्राउंड का सेगमेंट होता है। एंड फाइनली एक बहुत लंबे इंतजार के बाद जो ब्रे वायट है वो भी अपना फायरफ्लाई फनहाउस का जो रिटर्न है वो करते हुए नजर आते हैं। तो क्या यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस ने एक्सप्लेनेशन दी रेसलमेनिया के उनके एक्शंस को लेकर। और साथ ही शो पर और भी काफी सारी चीजें होती हैं और सभी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज रॉ वुमेन्स टाइटल का भी रीमैच होता है शो पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आज के जो मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की शुरुआत है वो एक नॉन टाइटल मैच के साथ होती है। और शो की स्टार्टिंग के अंदर हमारे जो फॉर्मर WWE चैंपियन यानी कि द डोमिनेटर बॉबी लैशली फेस करते हुए नजर आते हैं दी ओरिजिनल ब्रो रिडल का। और इस मैच की स्टार्टिंग से जो बॉबी लैशली है वो काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं भाई, वो बुरी हालत करके रख देते रिडल की, उन्हें रिंग साइड के ऊपर ले जाते हैं। और जो बैरिकेड होता है उसके उधर भी हमें रिडल को फेंकते हुए नजर आते हैं। फिर मैच रिंग के अंदर आता है और बॉबी लैशली हमें रिंग के अंदर भी अपनी बहुत ही ज्यादा तगड़ी डोमिनेंस दिखाते हुए नजर आते हैं। मैच के एंडिंग से पहले जो रिडल है वो थोड़ा बहुत हमें कमबैक भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन भाई हमें पता है आखिरी में होना क्या था, क्योंकि आखिरी में लग जाता है एक बार फिर से जो हर्ट लॉक रिडल को, जो रिडल है वो हमें इस हर्ट लॉक के बाद टैप आउट करते हुए नजर आते हैं। और इस मैच के अंदर जीत हो जाती है हमारे WWE चैंपियन बॉबी लैशली की। फिर शो पर होता है इस बार एक टैग टीम मैच और यहाँ पर सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन हमें एक रिटर्निंग टैग टीम का फेस करते हुए नजर आए। और आज रॉ के एपिसोड के अंदर बहुत लंबे समय के बाद द वाइकिंग रेडर्स वापस आ चुके हैं। और इस मैच की स्टार्टिंग से जो शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर है बुरे तरीके से हमें वाइकिंग रेडर्स के हाथों पिटते हुए नजर आते हैं। एकदम प्योर डोमिनेशन के बाद मैच की एंडिंग के अंदर हमें वाइकिंग रेडर्स की जीत दिखाई देती है। और आज शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर वाइकिंग रेडर्स से इस टैग टीम मैच के अंदर हार चुके हैं। इसके बाद शो के ऊपर हमें द क्वीन शार्लट फेयर भी आते हुए नजर आती है। और शार्लट फेयर रिंग के अंदर आती है, बात करती है रेसलमेनिया की नाइट वन एंड नाइट टू के बारे में और किस तरीके से इस ईयर के रेसलमेनिया के अंदर शार्लट फेयर को शामिल जानबूझ के नहीं किया गया, क्योंकि रिया रिप्ले ने तो चैलेंज किया था आस्का को, लेकिन रिया रिप्ले से पहले आस्का को चैलेंज किया था शार्लट फेयर ने, लेकिन WWE ने जान के जो रिया रिप्ले है उनको मौका दिया और उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर शार्लट फेयर को मौका नहीं दिया। फिर इसके बाद जो शार्लट फेयर है वो सभी फीमेल सुपरस्टार्स के बारे में बात करते हैं, जो कि नाइट वन एंड नाइट टू का पार्ट थी रॉ और स्मैकडाउन से, जहां पर वो एलेक्सा ब्लिस का नाम भी लेती हैं। और वो कहते हैं कि इन सभी फीमेल सुपरस्टार्स का तो शार्लट फेयर से कोई कंपैरिजन भी नहीं है, तो क्यों जानबूझ के शार्लट फेयर को इस ईयर रेसलमेनिया के अंदर यूज नहीं किया गया। शार्लट फेयर ने इस साल का रेसलमेनिया घर बैठकर देखा था और काफी सारे जो फैंस है वो ये कह रहे थे कि भाई शार्लट तुम लगातार तो रेसलमेनिया के अंदर कम्पीट करते हुए नजर आ रही हो इतने लंबे सालों के बाद, तुम्हें सिर्फ एक रेसलमेनिया में तो शामिल नहीं किया गया है, तो तुम इतना ज्यादा भड़क क्यों रही हो। लेकिन शार्लट फेयर उन WWE फैंस को ये बताना चाहती हैं कि जो शार्लट फेयर है वो अपॉर्चुनिटीज को स्टील नहीं करती हैं, बल्कि जो शार्लट फेयर है वो खुद एक अपॉर्चुनिटी है और वो आने वाले टाइम में अपने आप को प्रूव करती रहेंगी। और वो सभी उन बेवकूफ WWE के फैंस को दिखाने वाले हैं कि क्यों शार्लट फेयर को इस ईयर रेसलमेनिया का पार्ट होना चाहिए था। और देखने में ऐसा लगता है कि अब जो शार्लट फेयर है उनका हील टर्न हो चुका है। और उसके बाद शो के ऊपर होता है रॉ वुमेन्स टाइटल का रेसलमेनिया का रीमैच। और यहाँ पर हमारी फॉर्मर रॉ वुमेन्स चैंपियन यानी कि एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का, उनको एक बार फिर से मौका मिलता है अपनी टाइटल कैप्चर करने का और वो फेस करती है न्यूली क्राउन्ड रॉ वुमेन्स चैंपियन यानी कि रिया रिप्ले का। और ये जो मैच है स्टार्टिंग से लेके भैया आखिरी तक बहुत ही ज्यादा कमाल का जाता है, रिंग साइड पे भी हमें इस मैच का एक्शन दिखाई देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मैच है वो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर खत्म हो जाता है, क्योंकि जब ये मैच रिंग साइड पर चल रहा होता है वहां से हमें शार्लट फेयर आती हुई नजर आती है और शार्लट फेयर हमला कर देती है आस्का एंड रिया रिप्ले के ऊपर, ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में हो जाता है खत्म। और लगता है ऐसे कि अब आने वाले टाइम में एक ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है इस रॉ वुमेन्स टाइटल के लिए। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाई देता है और इस बार जो एलेक्सा ब्लिस है वो हमें इस सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नजर आती है। मेनली ये जो सेगमेंट था वो था एलेक्सा का प्लेग्राउंड वाला सेगमेंट। यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस बताते हैं कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने रेसलमेनिया के अंदर वो चीज क्यों की और मैंने क्यों हरवा दिया फिएंड को उसका रेसलमेनिया का मैच। तो एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए बताती है अपनी पूरी कहानी शुरुआत से लेकर आखिरी तक, वो बताती पहले WWE के अंदर एक लिटिल गर्ल कम्पीट किया करती थी, लेकिन उस लिटिल गर्ल को फिर कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़ी और डार्कनेस ने आके उससे सपोर्ट की और फिएंड ने उसका हाथ थामा और फिर फिएंड एंड एलेक्सा ने मिलकर WWE के अंदर तबाही मचानी शुरू की। लेकिन उस बच्ची को डार्कनेस के अंदर शामिल करने का जो कह सकते हो एक ऐसे भुगतान करना पड़ा उस बंदे को और फिएंड को रैंडी ऑर्टन ने जलाकर रख दिया TLC पे-पर-व्यू के अंदर। और जब फिएंड चला गया तब उस बच्ची को यह बात पता लगी कि वो फिएंड के बिना भी बहुत कुछ है और वो फिएंड के बिना भी
WWE के अंदर बहुत बुरे से तबाही मचा सकती है। तो अगर उस लड़की को फीड की अब जरूरत ही नहीं है, वो सारी चीजें खुद ही कर सकती है, तो किसी भी हालत में उसे फीड के साथ नहीं रहना चाहिए। और मेरे तुम लोग मेरे नए दोस्त जो कि उनके साथ वाले झूले पर बैठा होता है, वहां पर हमें एक न्यू डॉल दिखाई देती है और अलेक्सा ब्लिस बताती है कि अब मैं जो सारी चीजें वो खुद कर सकती हूँ और मुझे फीड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो चीजें मैंने की रेसलमेना के अंदर और ये मेरा न्यू फ्रेंड है। और आखिरी में सेगमेंट के हमें जो डॉल है वो भी बोलते हुए नजर आते हैं और भाई डॉल तो सही में काफी ज्यादा खतरनाक मुझे लगी। लेकिन इसके बाद शो पर मेज एंड जॉन मॉरिसन का सेगमेंट होता है और यहाँ पर इस बार मिस टीवी के ऊपर स्पेशल गेस्ट होती है मिस की खुद की वाइफ यानी कि मरीस। वो रिंग के अंदर आते हैं और मिस बात करते हैं कि इस तरीके से रेसलमेना खत्म हो चुका है, लेकिन रेसलमेना की नाइट वन एंड नाइट टू के बाद रेसलमेना से भी ज्यादा बड़ा शो काफी जल्दी प्रीमियर होने वाला और वो है मिस्टर एंड मिसेस का एक और न्यू शो। और जॉन मॉरिसन भी साथ में बैठे होते हैं। जॉन मॉरिसन कहते हैं मिस मुझे भी शो के अंदर शामिल कर लो, मुझे इसकी कमर्शियल के अंदर ऐड कर लो, मुझे पूरे शो के अंदर ऐड कर लो। मिस कहते हैं हाँ भाई तुम्हें मैं कमर्शियल के अंदर तो चलो कोई बात नहीं काफी जल्दी ऐड कर लूंगा, लेकिन ये जो शो है वो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। बहुत सारे लोग बैड बनी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी रेसलमेना की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो मिस की तारीफ नहीं कर रहा, क्योंकि मिस एक इकलौता ऐसे सुपरस्टार है जिसने बैड बनी को अच्छा दिखाया रेसलमेना के अंदर और सभी यही कह रहे हैं कि बैड बनी ने मिस को हरा दिया। कोई ये नहीं बता रहा कि मिस ने किस तरीके से बैड बनी को और ज्यादा अच्छा दिखने में मदद की। फिर वहां से हमें बैड बनी की टैंक टीम पार्टनर यानी कि डेमियन प्रीस्ट आते हुए नजर आते हैं। डेमियन प्रीस्ट वहीं एंट्रेंस टाइटोरियम के ऊपर खड़े होते हैं और वो बात करते हैं किस तरीके से मिस को एक्चुअल में क्रेडिट चाहिए बैड बनी की जो इतने महीनों की तगड़ी वाली ट्रेनिंग थी उसका और जो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है रेसलमेना के अंदर उसका क्रेडिट मिस को चाहिए, ना कि वो बैड बनी की यहाँ पर तारीफ कर रहा है। बल्कि डेमियन प्रीस्ट कहते हैं मैं तो वहां पर बैड बनी का टैग टीम पार्टनर था, जब मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ तो मिस तुम कौन होते हो जो कि तुम उसका क्रेडिट ले पाओगे। मिस कहते तुम्हें क्या पता, तुमने तो रेसलमेना का हेडलाइन भी नहीं किया, तुमने तो रेसलमेना के अंदर एक मूवमेंट भी शेयर नहीं किया, तुम्हारा इनफैक्ट नाम भी नहीं आया हेडलाइन के अंदर। हेडलाइन यही छपी थी कि बैड बनी ने मिस को हरा दिया। और जो मिस है वो इस मैचेस के कुछ फोटोज भी दिखाते हैं जहां पर हमें डेमियन प्रीस्ट नहीं दिखाई देते हैं। वो कहते हैं बैड बनी ने तुम्हारा दोस्त बनकर तुम्हारे साथ ही धोखा कर दिया है और उसने तुम्हारी जो पूरी स्पॉटलाइट है वो रेसलमेना के अंदर छीन ली है। और अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है कि भैया तुम बहुत अच्छे सुपरस्टार हो तो आज रॉ के एपिसोड के अंदर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जॉन मॉरिसन कहते हैं भाई मैं भी तो यही करने वाला था और मैं भी आज इसे मैच के लिए चैलेंज करने वाला था। दोनों यहाँ पर बहस करने लग जाते हैं, लेकिन फिर जो मरीज है वो कहती है कि तुम दोनों को मैच लड़ना है ना, तो तुम दोनों एक साथ भी तो लड़ सकते हो। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं मैं समझ गया भैया तुम करना क्या चाहते हो, तुम चाहते हो एक हैंडीकैप मैच जहां पर डेमियन प्रीस्ट हराने वाला है मिस एंड जॉन मॉरिसन को, और ये होने वाली है आज के रॉ के एपिसोड की मेन हेडलाइन। फिर यहाँ पर मिस एंड जॉन मॉरिसन कहते हैं भाई अभी नहीं, अभी तो हम लोग कोट पैंट के अंदर है, वहां पर हम लोग कैसे रेसल करेंगे। लेकिन फिर डेमियन प्रीस्ट भागते हुए आते हैं, मैच शुरू हो जाता है, ये दोनों हमें कोट पैंट के अंदर ही लड़ते हुए नजर आते हैं। इनफैक्ट इस मैच में लड़ते लड़ते मिस की तो पैंट भी यहाँ पर फट जाती है और मैच के एंडिंग के अंदर जो मरीज है वो यहाँ पर मिस एंड जॉन मॉरिसन की करती है हेल्प, क्योंकि आखिर में जब डेमियन प्रीस्ट जीतने चलते हैं वो डिस्ट्रैक्ट करती है और इसी का जो मिस है फायदा उठाते हैं और फटी पैंट के साथ, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ फटी पैंट के साथ वो आज हमें इस रॉ के एपिसोड के अंदर हैंडीकैप मैच को जीतते हुए नजर आते हैं। फिर इसके बाद जब ये लोग टाइटोरियम के ऊपर जाते हैं तो भाई मिस जो मरीज से साथी में जा रहे होते हैं और अचानक से होता है कि जो मरीज है मिस की पैंट के ऊपर रख देती है लात और उसके बाद जो मिस है वो गिर जाते हैं और मरीज भी हमें मिस के ऊपर ही गिरती हुई नजर आती है। फिर इसके बाद शो पर होता है टैग टीम एक्शन और यहाँ पर जो नाज एक्शन शेना बेजर है वो हमें मैंडी रोज एंड डायना ब्रूक का फेस करते हुए नजर आती है। मैच स्टार्टिंग से जो नाज एक्शन प्योर डोमिनेशन दिखाते हैं मैंडी रोज के ऊपर, लेकिन मैच की जो एंडिंग है वो थोड़ी अजीबोगरीब होती है। होता क्या है जो यहाँ पर नाज एक्शन वो हमें रिंग साइड पर दिखाई देती है और वो रिंग साइड से जब रिंग के अंदर एपरन पे खड़ी होती है आने के लिए, अचानक से उनका जो पैर फिसल जाता है और सीधा जो नाज एक्शन वो धड़म से जाके गिरती है रिंग साइड के ऊपर। इसे देख के जो मैंडी रोज है वो हंसने लग जाती है और भाई जैसे ही नाज एक्स काफी गुस्से में रिंग के अंदर आने चलती है तुरंत जो मैंडी रोज एंड डायना ब्रूक है वो हमें रिंग को एस्केप करती हुई नजर आती है, जो रेफरी यहाँ पर काउंट कर देते हैं और काउंट आउट से हमें आज नाज एक्स एंड शेना बेजलर जीती हुई नजर आती है और जो डायना ब्रूक एंड यहाँ पर मैंडी रोज है वो हमें एंट्रेंस टाइटोरियम के ऊपर खड़े हंसती हुई भी नजर आती है। फिर इसके बाद शो पर होता है एक बॉबी लैशली एंड एमवीपी को लेकर सेगमेंट और यहाँ पर जो एमवीपी है सबसे पहले हमें आते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं ये जो आज है वो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है हर्ट बिजनेस की तरफ से और काफी जल्दी जो हमारे WWE चैंपियन बॉबी लैशली हैं वो भी हमें यहाँ पर आके ज्वाइन करेंगे। लेकिन बॉबी लैशली के आने से पहले यहाँ पर जो मैं फैंस उनको एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि रेसलमेनिया के नाइट वन के अंदर जब बॉबी लैशली ने अपनी टाइटल रिटेन की
उसने ड्रू मैकइंटायर को हराया तो उसे WWE फैंस के द्वारा लाइव फैंस के द्वारा डिसरिस्पेक्ट दी गई थी, जो कि वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि जो बातें बॉबी लैशली ने कही थी रेसलमेनिया से पहले कि वो ड्रू मैकइंटायर को हराएगा, उसे वो तबाह करके रख देगा, सिर्फ वही चीज बॉबी लैशली ने रेसलमेनिया के अंदर की। वो कहते हैं, मैं मानता हूं कि ड्रू मैकइंटायर जरूर से एक फाइटिंग चैंपियन रह चुका है, वो एक वॉरियर की तरह है, लेकिन वो हर्ट लॉक का सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ड्रू मैकइंटायर हर्ट लॉक से नहीं बच पाया तो कौन सर्वाइव कर पाएगा हर्ट लॉक का? मेरे हिसाब से तो कोई भी हर्ट लॉक से नहीं बच पाएगा, और रेसलमेनिया के अंदर ये जो बात है वो साबित हो चुकी है। फिर वहां से एक बार फिर से हमें WWE चैंपियन यानी कि फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर आते हुए नजर आते हैं। ड्रू मैकइंटायर रिंग के अंदर आके कहते हैं कि हाँ, मैं भाई ये जरूर कहता हूँ कि मैंने गलती की थी रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि मैंने MVP तुम्हें अलाउ किया कि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट करो, और उस मैच के अंदर मेरी पहली गलती के बाद मैं हार गया था और बॉबी लैशली ने मुझे हर्ट लॉक लगा दिया, जिससे मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। लेकिन जब एक बार फिर से मुझे मौका मिलने वाला है रेसलमेनिया के बाद, तो इस बार जो बॉबी लैशली है उसका जो सिर है वो धड़ से अलग कर दूंगा और उसे काफी बुरे तरीके से मारने वाला हूँ, और उस टाइम जो तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन है वो भी काम नहीं आएगी, और ड्रू मैकइंटायर हर्ट लॉक को तोड़ेगा, क्लेम और लगाएगा, और एक बार फिर से वो WWE चैंपियन बन जाएगा। MVP यहाँ पर कहते हैं, देखो ड्रू मैकइंटायर, मैं तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऑलरेडी तुम रेसलमेनिया के अंदर हार चुके हो, तो तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल जाएगी। और उसके बाद वहां से हमें स्ट्रोमन एक्सप्रेस भी आते हुए नजर आते हैं, और ब्रॉन स्ट्रोमन आते रिंग में, और वो कहते हैं, ड्रू मैकइंटायर तुम ऑलरेडी हार चुके हो, तो तुम्हें ये कैसे लगा कि तुम्हें एक और WWE टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। MVP यहाँ पर कहते, देखो ड्रू मैकइंटायर, पहले तुम यहाँ पर जो अपने ब्रॉन स्ट्रोमन है उनके साथ निपटारा कर लो, उसके बाद तुम जाके बॉबी लैशली के बारे में सोचना, क्योंकि तुम एक बार फिर से लाइन के एकदम पीछे जा चुके हो और ब्रॉन स्ट्रोमन भी उस लाइन के आगे आना चाहता है। और फिर ब्रॉन स्ट्रोमन बताते किस तरीके से उन्होंने शेन मैकमैन की बुरी हालत कर दी, और ड्रू मैकइंटायर अगर उनका सामना करेंगे तो उनकी भी वही बुरी हालत होने वाली है। लेकिन फिर वहां से जैसे यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन चैलेंज करने चलते हैं ड्रू मैकइंटायर को, वहां से आते हुए नजर आते हैं एपेक्स प्रेडेटर द लेजेंडरी रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन एकदम स्लो मोशन के अंदर आते हैं माइक लेकर, और वो कहते हैं, मैंने फिंड एंड एलेक्सा का काम तमाम कर दिया है और अब मैं एकदम फ्री हूँ, इसका मतलब ये कि अब मैं फोकस करने वाला हूँ एक बार फिर से उस WWE टाइटल के ऊपर, और मुझे भी चाहिए बॉबी लैशली के खिलाफ एक मैच, ताकि एक बार फिर से मैं WWE के अंदर चैंपियन बन सकूं। फिर यहाँ पर जो MVP उनका थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो जाता है, वो कहते हैं, चल कह रहा है भैया, यहाँ पर हर बंदा आ रहा है और वो हर बंदा टाइटल अपॉर्चुनिटी की डिमांड कर रहा है। लेकिन फिर वहां से हमें एडम पियर्स आते हुए नजर आते हैं। एडम पियर्स कहते हैं, अभी फिलहाल जो पूरी सिचुएशन है मैं इसको समझ रहा हूँ, मेरे हिसाब से आज रॉ के एपिसोड का जो मेन इवेंट है वो हमें मिल चुका है, क्योंकि आज ड्रू मैकइंटायर फेस करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन एंड रैंडी ऑर्टन का, जो विनर होने वाला है उसे बैकलैश के अंदर मिलने वाले एक WWE टाइटल की अपॉर्चुनिटी। अभी फिलहाल ये चीज ऑफिशियल है आज के रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट के लिए। और भाई इसके बाद शो पर होता है कि नेक्स्ट मैच, जो कि एक टैग टीम एक्शन होता है, और यहाँ पर हमें जो अलायंस एंड जैक्सन रायकर है वो द न्यू डे का फेस करते हुए नजर आते हैं। और इस मैच की स्टार्टिंग से पहले जो अलायंस एंड जैक्सन रायकर है वो अपना कॉन्सर्ट हर बार की तरह करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बार काफी फनी वे में होता है। जो अलायंस है वो बार बार हमें गिटार बजाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो न्यू डे के एक्सेवियर वुड है वो पीछे से हमें अपना जो ट्रॉम्प होना है वो बजाते हुए नजर आते हैं। फाइनली दोनों रिंग के अंदर आते हैं, दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं, और ये जो मैच है शुरुआत से काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है। मैच में काफी बार बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर जो द न्यू डे है वो हमें जीतते हुए नजर आते हैं, और इस टैग टीम एक्शन के अंदर उन्होंने हरा दिया आज जैक्सन रायकर एंड अलायंस को। इसके बाद शो के ऊपर एक और बहुत ही अच्छा सेगमेंट होता है, जो कि होता है फायरफ्लाई फन हाउस का एक रिटर्निंग सेगमेंट। और एक बार फिर से आज शो पर ब्रे वायट हमें इस शो को होस्ट करते हुए नजर आते हैं। ब्रे वायट आते हैं अपने फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर और कहते हैं, मुझे वापस आके काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा फ्रेश लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से मेरा जन्म हुआ, यानी कि एक बार फिर से मैं रीबॉर्न होकर वापस आ गया हूं। और जो सारे पपिट्स एक बार फिर से हमें उन्हें इंट्रोड्यूस करवाते हुए नजर आते हैं। ब्रे वायट कहते हैं, क्या हुआ अगर मुझे कुछ लोग छोड़ के चले गए, लेकिन हम जो 4-5 लोग हैं वो हमेशा एक साथ रहेंगे। और ब्रे वायट आज इसकी जो रिटर्न है वो हमें अनाउंस करते हुए नजर आते हैं, और सिर्फ एक रिटर्निंग की अनाउंसमेंट यहाँ पर होती है। और ब्रे वायट कहते हैं, काफी जल्दी आपको इसके और एपिसोड मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। और कुछ इस तरीके से ये जो सेगमेंट है वो हमें खत्म होता हुआ नजर आता है। फिर अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड की मेन इवेंट की तरफ, जो कि होता है नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच WWE चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर फेस करते हैं फॉर्मर WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर, द वाइपर विल, रैंडी ऑर्टन एंड द मॉन्स्टर अमंग द मैन ब्रॉन स्ट्रोमन का। इस ट्रिपल थ्रेट मैच को देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। मेन इवेंट के अंदर काफी सारा बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है। मैच के बीच में बहुत बार जो ड्रू मैकइंटायर है वो रैंडी ऑर्टन टीम अप करते ताकि वो ब्रॉन स्ट्रोमन पर मार पाए। और ये जो मैच की एंडिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है, जब रैंडी ऑर्टन रिंग साइड के ऊपर ड्रू मैकइंटायर को एक स्लैम लगाते हैं, वो ब्रॉन स्ट्रोमन को रिंग के अंदर लेकर आते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन पहले रैंडी ऑर्टन को मारते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन फाइनली उसका काउंटर करते हैं, DDT लगाते हैं, और वो हमें एक RKO लगाते हुए नजर आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को। लगता है ऐसे कि रैंडी ऑर्टन जीतने ही वाले हैं, लेकिन अचानक से जब
जब रैंडी ऑर्टन पिन करते दो तक पिन हो जाता है, ड्रू मैकइंटायर आते हैं और वो एक क्लेम और लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन को, वो पिन करते हैं ऑर्टन को और एक बार फिर से आज रॉ के एपिसोड के अंदर ड्रू मैकइंटायर की जीत हो चुकी है और बैकलैश के अंदर एक बार फिर होगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बॉबी लैशली के बीच मैच। अब देखो मैं जरूर ड्रू मैकइंटायर के लिए काफी ज्यादा खुश हूं कि एक बार फिर से उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से अब जो टाइटल अपॉर्चुनिटी है वो ड्रू मैकइंटायर के बाद किसी और को मिलनी चाहिए थी, चाहे आप ब्रॉन स्ट्रोमन को दे देते या फिर आप दे देते रैंडी ऑर्टन को। बाकी देखते भाई बैकलैश के अंदर क्या होता है जब एक बार फिर से बॉबी लैशली एंड मैकइंटायर आते हैं आमने सामने। लेकिन भाई यही था आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। और हाँ, जब शो की एंडिंग होती है तो ड्रू मैकइंटायर जैसे ही जीतते हैं वहां से एमवीपी भी आते हुए नजर आते हैं और एमवीपी जैसे ही ड्रू मैकइंटायर को घूरते हैं पीछे से फॉर्मर रिट्रीब्यूशन के मेंबर यानी कि टी बार एन मेस हमें ड्रू मैकइंटायर के ऊपर हमला करते हुए नजर आते हैं और वो एमवीपी की तरफ हमला करने के बाद चले जाते हैं। और लगता है ऐसा भाई कि हर्ट बिजनेस को कुछ न्यू चट्टे बट्टे मिल चुके जो की है टी बार एन मेस। देखिए बाकी आगे क्या होता है। लेकिन भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।